हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भारत चौधरी और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गेम के बारे में जो कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ है, जिसका नाम है पिलर्स ऑफ इटर्निटी 2। तो आज हम इसी गेम के बारे में बात करेंगे क्योंकि यह अभी कुछ ही दिन पहले रिलीज हुआ है। यह मेरे ख्याल से बेस्ट गेम निकल कर आ सकते हैं जो हम इस वीडियो में इस गेम के बारे में बात करेंगे। तो आप ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है भारत चौधरी, आप देख रहे हैं निशान बार। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों, पिलर ऑफ इटर्निटी 2 डेड फायर गेम को बनाया है ऑब्सीडियन एंटरटेनमेंट ने, उसे पब्लिश भी किया है ऑब्सीडियन एंटरटेनमेंट गेम्स ने। और इस गेम की स्टोरी की बात करें तो इस गेम की स्टोरी बहुत ज़्यादा खास नहीं है, मगर इस गेम की स्टोरी की बात करें तो इस गेम की स्टोरी ऐसी है कि हमें कुछ अलग अलग जगह पर जाकर पूरे शहर को ढूंढना पड़ता है। आपने इस प्रकार बहुत सारे गेम खेले होंगे जैसे डोटा 2, उसके अंदर ये लगभग डोटा 2 की स्टाइल में ही इस गेम को बनाया है। इसके अंदर भी हमारी तरफ हमारी एक टीम होती है जो हमारी विपक्ष की टीम के साथ थोड़ी फाइटिंग करती है। सेम उसी प्रकार से इस गेम में थोड़ी स्टोरी है। और इस गेम की और बाकी स्टोरी की बात करें तो इसके अंदर ट्रेवल करना होता है, इसके अंदर हम शिप से ट्रेवल करते हैं और दूर दूर तक के देशों को खोजते हैं। यही गेम की पूरी स्टोरी है। और इस गेम की बात करें तो यह गेम 8 मई 2018 को पूरी दुनिया के लिए सभी प्लेटफॉर्म पर, लगभग सभी प्लेटफॉर्म, चाहे वो PS4 हो, PS3, Xbox One, Mac OS X या विंडो PC, क्यों ना आप इसे सभी प्लेटफॉर्म पर खेल सकते हैं। और आप इसे विंडो PC में खेलना चाहते हैं, मतलब स्टीम पर आप इस गेम को खेलना चाहते हैं, तो इस गेम की प्राइस 1099 रुपये है। आप इसे 1099 रुपये देकर इस गेम को खरीद सकते हैं। मगर इस गेम के ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा कमाल के नहीं है, इस गेम की ग्राफिक्स बहुत ख़राब है, तो मैं आपको इस गेम को हाईली रिकमेंडेड नहीं करता। और अगर इस गेम की विंडो पी सी की सिस्टम रिक्वायरमेंट की बात करें तो इस गेम को चलाने के लिए आपको 45 GB की हार्ड डिस्क चाहिए, वो मिनिमम हो या रिकमेंडेड। और प्रोसेसर की बात करें तो मिनिमम में i3 का प्रोसेसर चाहिए जो 2.5 GHz की स्पीड के साथ होना चाहिए और 4 GB रैम होना चाहिए। और अगर हाई ग्राफिक्स के साथ खेला जाते हैं, इसके अंदर ग्राफिक ज़्यादा कमाल के नहीं है, अगर आप इसे हाई परफॉर्मेंस में खेला जाते हैं तो आपको 8 GB रैम और इंटेल कोर i5 का 3.5 GHz का प्रोसेसर चाहिए। तो आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप इस गेम को खेल सकते हैं, मगर मैं आपको यह गेम रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इस गेम की प्राइस 1099 रुपये। इस प्राइस में बहुत अच्छे अच्छे गेम आपको मार्केट में मिल जाते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और आप वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए, क्योंकि हम हर रोज आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेके आते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।